हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का नमस्कार, आप सभी को सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो, आपका वीडियो आपको एक्सेसिबल है। प्लीज़ कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज़ ओके सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। कर दीजिए कंफर्म क्विकली। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन की कि ऑडियो में वीडियो में किसी प्रकार का आपको इश्यू नहीं है। सो कंफर्म क्विकली। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट द डिस्कशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लास्ट सेशन के अंदर हम फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स को डिस्कशन करना शुरू किया था, लेकिन बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्टेंट हम इसको पूरा नहीं थे कर पाए। तो अब हम इसको पूरा करते हैं। इसके जो एस्पेक्ट्स हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो एस्पेक्ट हैं कि इन बॉन्ड्स को इशू करने का पर्पस क्या है। तो ये बॉन्ड एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे प्रमोटर जो इंडियन कंपनीज के हैं, उनकी जो ग्रुप कंपनीज हैं उनमें जो वैल्यू उसको अनलॉक कर लेते हैं टू रेज द फंड्स अब्रॉड। तो वो फंड्स अब्रॉड कैसे रेज करेंगे, तो मैं उस मैकेनिज्म को एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। लेट अस, देयर इज एन इंडियन कंपनी एक्स। ये रिलेटिवली नई कंपनी है, बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन इसी कंपनी में ग्रुप कंपनीज हैं वाई एंड जेड। सो दे आर क्वाइट ओल्ड एंड दे आर रिप्यूटेड। तो ये कंपनी फॉर्म में पैसा रेज करती है इन द फॉर्म ऑफ FCEB ऑन मैच्योरिटी। इसके जो बॉन्ड्स हैं उनको एक्सचेंज कर लिया जाएगा, कन्वर्ट कर लिया जाएगा इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ YZ। तो YZ जो रिप्यूटेड कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं, तो इन्वेस्टर्स को इनकी इक्विटी मिल जाएगी, इसीलिए हम इनको नाम देते हैं एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। नाउ इंडियन कंपनीज कैन लीवरेज वैल्यू इन देयर लिस्टेड ग्रुप कंपनीज बाय वेश्यो ऑफ FCEB। तो इनकी जो लिस्टेड कंपनीज हैं, रिप्यूटेड कंपनीज हैं, तो उनके शेयर्स मिल जाएंगे इन्वेस्टर्स को। सो इशू दिस कैन बी इशूड अंडर अप्रूवल रूट ओनली। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के अंदर हमारे पास दो रूट होते हैं बोरो करने के, एक जिसमें किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती जिसको हम ऑटोमेटिक रूट कहते हैं, और दूसरा इश्यूइंग कंपनी को परमिशन की ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट से जिसको हम अप्रूवल रूट कहते हैं। और FCEB यू रेज किए जा सकते हैं थ्रू अप्रूवल रूट, नॉट थ्रू ऑटोमेटिक रूट। अब हम इसमें आगे बात करते हैं, बिकॉज यहाँ तक हमने कवर कर लिया था लास्ट सेशन में। इनका मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड क्या रहेगा? तो इनका मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर्स है, और ऐसे ही हमने लास्ट सेशन के अंदर FCCB को यूज डिस्कस किया था, तो उस केस में भी मिनिमम मैच्योरिटी इज 5 ईयर्स। एक्सचेंजेबिलिटी, तो इसकी एक्सचेंजेबिलिटी क्या रहेगी? द बॉन्ड्स आर एक्सचेंजेबल इन टू इक्विटी शेयर ऑफ अनदर कंपनी। तो इसके बॉन्ड्स को एक्सचेंज कर लिया जाएगा ऑन मेच्योरिटी, यानी जो भी टर्म्स होंगी पीरियड की, आफ्टर दैट पीरियड ये बॉन्ड्स बॉन्ड्स नहीं रहेंगे। सो ये बॉन्ड्स बन जाएंगे इक्विटी शेयर्स, यानी ये कन्वर्टिबल होंगे, लेकिन ये इक्विटी शेयर्स इशू करने वाली कंपनी के नहीं होंगे। जैसा हमारे एग्जांपल में है, बॉन्ड्स को इशू करता है कंपनी एक्स, और ये कन्वर्ट एक्सचेंज किसके साथ हो जाएंगे, कंपनी वाई या कंपनी जेड की इक्विटी में। तो इंटू इक्विटी शेयर ऑफ अनदर कंपनी, और ये कंपनी ग्रुप कंपनी होगी, और इस कंपनी को हम कहते हैं ऑफर्ड कंपनी। सो वो कंपनी जिसके शेयर्स ऑफर किए गए हैं।
और ये जो कन्वर्शन होगा, एक्सचेंज होगा, इधर होली पूरे का पूरा एक्सचेंज हो जाएगा और पार्टली और ऑन द बेस ऑफ एन इक्विटी रिलेटेड वारंट्स अटैच टू द डेट इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें ये तीनों ऑप्शंस हो सकती हैं, पूरे का पूरा एक्सचेंज होना, पार्टली एक्सचेंज होना या डेट इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट हो जाना ऑन द बेस ऑफ एनी इक्विटी रिलेटेड वारंट्स अटैच टू द डेट इंस्ट्रूमेंट। तो जो डेट इंस्ट्रूमेंट है FCCB, इसके साथ अगर कोई इक्विटी रिलेटेड वारंट्स उसके साथ अटैच्ड है तो इश्यूएंस ऑफ FCCB शैल कन्फॉर्म टू प्रोविजंस ऑफ रेगुलेशन 21 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ट्रांसफर ऑफ इश्यू ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी रेगुलेशन 2000। सो FCEB को कंप्लाई करना होगा जो प्रोविजंस रेगुलेशन नंबर 21 के हैं, और ये रेगुलेशन है फॉरेक्स मैनेजमेंट ट्रांसफर और इश्यू ऑफ एनी फॉरेन सिक्योरिटी रेगुलेशंस 2000 के। तो इसके साथ इसको कंप्लायंस करनी पड़ेगी। FCEB की जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कॉस्ट सेम होगी जो रूल्स ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के ऊपर एप्लीकेबल हैं। तो लास्ट सेशन में हमने ये नोट किया था कि जो FCCB हैं उनकी ओवरऑल कॉस्ट भी ECB के ओवरऑल कॉस्ट के अंदर रहेगी, जिसको हम ऑल इन कॉस्ट कहते हैं। अब क्योंकि FCEB तो ये भी ECB का पार्ट है, तो इसीलिए इसकी जो ऑल इन कॉस्ट है वो भी उसी लिमिट में रहेगी जिस लिमिट में ECB की ऑल इन कॉस्ट है। तो ये हुए हमारे जो डिस्कशन था, मेन टॉपिक का कंप्लीट हुआ। अब हम FCCB के ऊपर और FCEB के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अपनी कॉपीज को निकाल लीजिए, अगर आपको हेल्प आपकी कॉपी से लेनी पड़ती है तो आप कॉपी को भी आप यूज़ कर सकते हैं जो आपने नोट्स बनाए हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप इसको याद करके आंसर प्रोवाइड करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज FCCB। तो फुल फॉर्म तो इसका हमें पता है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, लेकिन ये हैं क्या? टाइप ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं, टाइप ऑफ क्वासी डेट इंस्ट्रूमेंट हैं, टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैं या टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं। तो क्या लगता है आपको? सो व्हाट इज द एप्रोप्रिएट आंसर? यस, जो आपने अंडरस्टैंड किया है, जो आपने लिखा है उसके बेसिस के ऊपर व्हाट इज एप्रोप्रिएट आंसर। सभी कोशिश करेंगे आंसर देने की। ऑल ऑफ यू शुड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। यस, वेरी करेक्ट। तो दीज आर इन द फॉर्म ऑफ क्वासी डेट इंस्ट्रूमेंट। ये क्वासी डेट इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में है। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर टू। व्हाट इज पर्पस ऑफ इशूइंग FCCB? FCCB जब इशू किए जाते हैं तो किस पर्पस के साथ इशू किए जाते हैं? चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। टू रेज मनी इन अ डोमेस्टिक करेंसी, टू रेज मनी इन फॉरेन करेंसी, टू इन्वेस्ट मनी इन फॉरेन करेंसी और टू इन्वेस्ट मनी इन अ डोमेस्टिक करेंसी। तो FCCB से हम पैसा रेज करते हैं या पैसा इन्वेस्ट करते हैं, डोमेस्टिक करेंसी में करते हैं या फॉरेन करेंसी में करते हैं? सो क्विकली व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर टू। तो मैं वेट कर रहा हूं, व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर टू। तो FCCB से पैसा रेज होता है या इन्वेस्ट होता है, डोमेस्टिक करेंसी में होता है या फॉरेन करेंसी में होता है? सो FCCB एक डेट रेज करने का इंस्ट्रूमेंट है, तो इससे
मनी रेज होता है इन फॉरेन करेंसी, तो आंसर बी विल बी द एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए तीसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु आर इन्वेस्टर्स इन एफसीसीबी? एफसीसीबी में इन्वेस्टर्स कौन है? सो एफसीसीबी में इन्वेस्टर्स में रिटेल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हेज फंड्स, आर्बिट्रेटर्स और फॉरेन नेशनल्स या वेंचर कैपिटलिस्ट्स। सो कौन होते हैं इनके अंदर एफसीसीबी में इन्वेस्टर्स? तो आप चाहें तो अपने नोट्स को भी रेफर कर सकते हैं फॉर दिस पर्पस, लेकिन कोशिश करें जो आपने अंडरस्टैंड किया था तो उसको यूज़ करें अपनी मेमोरी को, ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले। यस, हु आर द इन्वेस्टर्स? ओके, सो इन्वेस्टर्स हैं इसमें हेज फंड्स, आर्बिट्रेटर्स और फॉरेन नेशनल्स, यानी आंसर सी हमारा करेक्ट आंसर है। सो एफसीसीबी को सब्सक्राइब करते हैं यानी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं हेज फंड आर्बिट्रेटर्स और फॉरेन नेशनल्स। वेयर डू एफसीसीबी अपीयर ऑन बैलेंस शीट ऑफ द इशूइंग कंपनी? सो जो भी कंपनी इशू करती है एफसीसीबी को, उसकी बैलेंस शीट में एफसीसीबी का अमाउंट कहाँ अपीयर होता है? ऑन एसेट साइड इन द बैलेंस शीट, ऑन लाइबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट, इन द इनकम स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी और इन कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी? तो ये कहाँ अपीयर होता है? सो क्वेश्चन नंबर फोर, वेयर डज इट अपीयर? सो व्हाट इज द आंसर? यस, सो फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, क्योंकि ये लोन की फॉर्म में हैं तो ये बोरिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, सो दे विल अपीयर ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो इशूइंग कंपनी की बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में ये अपीयर होंगे। क्वेश्चन फाइव, व्हाट अकाउंटिंग प्रोविजंस आर एप्लीकेबल टू एफसीसीबी? इन बॉन्ड्स के ऊपर कौन से अकाउंटिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, 9 and 16, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32, 39 and IFRS 7, IFRS 13, IFRS 15 and IFRS 17, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, IFRS 10 and IFRS 12। तो कौन से इसके ऊपर एप्लीकेबल बनते हैं? अकाउंटिंग प्रोविजंस आर एप्लीकेबल फॉर एफसीसीबी, इनमें से कौन से अकाउंटिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं? तो कॉपी निकाल के देखिए अगर आपके नोट किए हुए हैं तो, और मेमोरी से अगर इसको याद किया हुआ तो आपने उसके बेसिस के ऊपर आंसर दे दीजिए। सो व्हाट शैल बी द आंसर फॉर दिस? सो दीज आर गाइडेड बाई IAS 32, IAS 39 एंड IFRS 7। सो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 39 एंड IFRS 7, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी। हाउ कैन एफसीसीबी बी रिडीम्ड? सो एफसीसीबी जब मैच्योर होंगे तो उनको रिपे कैसे किया जाएगा, उनका रिडेम्पशन कैसे होगा? तो चलिए इसकी ऑप्शन देख लेते हैं रिडेम्पशन के लिए। सो ऑन मैच्योरिटी होंगे, ओनली एट ए प्राइस अश्योर्ड बाय द इश्यूअर होंगे, इधर एट मैच्योरिटी और एट ए प्राइस अश्योर्ड बाय द इश्यूअर, इधर एट मैच्योरिटी और एट ए प्राइस डिटरमिंड बाय द मार्केट। तो इनका रिडेम्पशन इनमें से किसके बेसिस के ऊपर होगा? क्वेश्चन नंबर सिक्स,
इनका जो रिडेम्पशन है किस बेसिस के ऊपर रहेगा. रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली एंड देन ट्राई टू आंसर. सो एग्जाम के अंदर समटाइम हम सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड नहीं करते, जिसके कारण कुछ क्वेश्चन जो आसानी से हम सही आंसर दे सकते हैं उनके आंसर भी गलत दे जाते हैं. सो FCCB के जो रिडम्पशन के रूल्स हैं, अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स, ईदर एट मेच्योरिटी और एट ए प्राइस अश्योर्ड बाय द इश्यूअर, नॉट प्राइस डिटरमिन्ड बाय द मार्केट. तो जो इश्यूअर ने डिटरमिन किया था, अश्योर किया था प्राइस, उसके ऊपर. व्हाट हैपन्स टू प्राइस ऑफ ए बॉन्ड व्हेन यील्ड इज हायर. अगर किसी बॉन्ड की यील्ड हायर है तो यील्ड होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न. तो अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न मार्केट में हायर है तो उस बॉन्ड की प्राइस को क्या हैपन होगा. तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं. प्राइस इंक्रीज करेगा, प्राइस डिक्रीज करेगा, प्राइस सेम रहेगा या प्राइस ज़ीरो हो जाएगा. नाउ व्हाट विल हैपन. तो जब हम बेसिक डिस्कशन कर रहे थे आपको उसका रूल बताया गया था कि अगर बॉन्ड यील्ड है और प्राइस है बॉन्ड का तो दोनों का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है. तो अगर यील्ड हायर होगा तो जो उसका प्राइस है वो डिक्रीज करेगा. तो जब यील्ड इंक्रीज करेगा तो प्राइस डिक्रीज करेगा. हेंस आवर आंसर विल बी बी, दैट इज प्राइस विल डिक्लाइन. चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. मैं नोट कर रहा हूँ कि हमारे सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं आंसर देते समय. अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो माइंड एप्लीकेशन होगा और माइंड एप्लीकेशन से आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी, आप ज़्यादा देर तक रिटेन कर पाएंगे. सो व्हाट आर कन्वर्जन ऑप्शंस फॉर FCCB. FCCB को जब कन्वर्ट किया जाएगा तो कन्वर्जन की ऑप्शंस क्या क्या हैं. सो व्हाट आर कन्वर्जन ऑप्शंस. दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड, ये तो कन्वर्ट हो ही नहीं सकते. दे कैन बी कन्वर्टेड इन टू इक्विटी और डिपॉजिटरी रिसीट आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड एट ए प्री डिटर्मिंड प्राइस और एक्सचेंज रेट. दे कैन बी कन्वर्टेड इन टू एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी एट एनी टाइम. सो दे कैन बी कन्वर्टेड इन टू कैश ऑल्सो. तो क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं. तो क्वेश्चन को और ऑप्शन को केयरफुली हैंडल करिए, रीड करिए एंड देन आंसर दीजिए. तो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विल बी द आंसर. रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली. सो इनका जो कन्वर्जन होगा उसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं. इनको इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, इनको डिपॉजिटरी रिसीट जो भी इक्विटी को रिप्रेजेंट करती हैं उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, एट ए प्री स्पेसिफाइड पीरियड, प्री स्पेसिफाइड प्राइस और एक्सचेंज रेट. तो जब इक्विटी में कन्वर्ट किया जाएगा तो उस कंपनी के इंडियन इक्विटी में कन्वर्जन होगा, और जब फॉरेन इक्विटी में जो उसको कन्वर्ट किया जाएगा तो वो डिपॉजिटरी रिसीट की फॉर्म में कन्वर्जन होगी. सो डिपॉजिटरी रिसीट्स हमारी होती हैं ADRs, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, और GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स. हु कैन इशू FCCB इन इंडिया. इंडिया में FCCB को कौन इशू कर सकते हैं. सो दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन. ओनली पब्लिक सेक्टर कंपनीज, ओनली प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, ओनली फॉरेन कंपनीज और ओनली इंडियन कंपनीज. तो FCCB कौन इशू कर सकता है. तो ये हमारे सामने चार ऑप्शंस हैं. सो व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन. कौन सी अप्रोप्रिएट वन लग रही है आपको. यस, वेरी करेक्ट. सो इट कैन बी डन बाय इंडियन कंपनीज.
सो जो कंपनी इंडियन कंपनीज हैं इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज एक्ट, तो दे कैन इश्यू FCCB सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी कंडीशंस. व्हाट आर रिक्वायरमेंट्स फॉर इशू ऑफ FCCB बाय इंडियन कंपनीज? तो इंडियन कंपनीज को अगर इशू करना है तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है इशू करने के लिए? मिनिमम मैच्योरिटी 3 ईयर्स, कॉल एंड पुट ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड आफ्टर 3 ईयर्स. मिनिमम मैच्योरिटी 5 ईयर्स, कॉल एंड पुट ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड आफ्टर 5 ईयर्स. नो मिनिमम मैच्योरिटी रिक्वायरमेंट एंड कॉल एंड पुट ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड एनी टाइम. मिनिमम मैच्योरिटी 5 ईयर्स एंड कॉल आउट पुट ऑप्शन कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड बिफोर 5 ईयर्स. तो इनमें कौन सा लगता है मोस्ट अप्रोप्रिएट है? सॉरी फ्रेंड्स, सो विच अपीयर्स टू बी मोर अप्रोप्रिएट? इशू करने की रिक्वायरमेंट क्या है? सो मिनिमम मैच्योरिटी इनकी 5 साल की रहेगी और इनको 5 साल के बाद ही कॉल या पुट ऑप्शन यूज किया जा सकता है. और अगर हम आंसर डी को भी देखें तो आंसर डी भी हमारा करेक्ट बनता है. यानी इस केस के अंदर हमारे पास 2 आंसर करेक्ट बनते हैं, तो बी एंड डी. बिकॉज जो बी कहता है तो वही डी कहता है. तो यहाँ पे आफ्टर 5 ईयर्स है, तो यहाँ पे वो कहता है कैन नॉट बी एक्सरसाइज बिफोर 5 ईयर्स. यानी ये भी वही कहता है कि 5 साल के बाद ही एक्सरसाइज हो सकती हैं. तो इसमें हमारे पास एक नहीं 2 आंसर ऐसे हैं जो सही नज़र आते हैं. नाउ अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे FCEB को लेकर के, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स को लेकर के. सो व्हाट इज़ पर्पस ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड? इसको इशू किस पर्पस के लिए करते हैं? व्हाई दिस स्कीम? टू प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर इंडियन कंपनीज टू रेज फंड्स डोमेस्टिकली. टू प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर इंडियन कंपनीज टू अनलॉक वैल्यू इन देयर ग्रुप कंपनीज टू रेज फंड्स आउटसाइड द कंट्री. To provide mechanism for foreign companies to invest in Indian companies, or to provide mechanism for Indian companies to issue bonds in Indian currency. So, which appears to be more appropriate answer? कौन सा आंसर लगता है कि ज़्यादा appropriate है? तो यहाँ पर हमारे पास जो ज़्यादा appropriate answer है, so that is option D, to provide a mechanism for Indian companies to unlock value in their group companies to raise funds abroad. So answer B is the correct answer. Under what route can FCEB be issued? FCEB kis route mein issue kiye ja sakte hain? So it is automatic route, or it is approval route, or it is both. ए एंड बी किसी भी रूट में रेज किए जा सकते हैं, या इनमें से कोई रूट एप्लीकेबल ही नहीं बनता है. क्वेश्चन नंबर 2, सो अंडर विच रूट दीज कैन बी रेज्ड? सो इनको रेज किया जा सकता है अंडर अप्रूवल रूट, यानी RBI की या गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत पड़ेगी. तो दैट रूट हैज़ टू बी यूज्ड. फ्रेंड्स, जिनका अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है वो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक लाइक डिसलाइक कंप्लीट नहीं किया है, सो डू इट क्विकली. और इस स्लाइड के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर पढ़ लेना. तो इट कुड बी ऑफ ग्रेट वैल्यू टू यू, आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है ये इन्फॉर्मेशन. सो कर दीजिए, जिनका लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ है डू इट क्विकली. सो आई एम वेटिंग फॉर देम टू डू इट क्विकली. व्हाट इज मिनिमम मैच्योरिटी ऑफ FCEB? FCEB जब इशू किए जाएंगे तो उनकी मिनिमम मैच्योरिटी कितनी होनी चाहिए? 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स
और 10 ईयर्स मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड एफसीईबी का कितना हो सकता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो इट इज 5 ईयर्स, 5 साल है, कम से कम 5 साल। व्हाट इज एक्सचेंजेबिलिटी फीचर ऑफ एफसीईबी? एफसीईबी का जो एक्सचेंजेबिलिटी फीचर है वो फीचर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? फॉरन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स में एक्सचेंजेबिलिटी का फीचर, बॉन्ड कैन बी एक्सचेंज इनटू इंडियन करेंसी, बॉन्ड्स कैन बी एक्सचेंज इनटू गोल्ड, बॉन्ड्स कैन बी एक्सचेंज इनटू इक्विटी शेयर ऑफ अनदर कंपनी, बॉन्ड्स कैन बी एक्सचेंज इनटू रियल इस्टेट। तो ये एक्सचेंजेबिलिटी कंडीशन किस चीज़ को परमिट करती है? क्वेश्चन नंबर 4, यस कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सो जो एक्सचेंजेबिलिटी का फीचर है वो किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में कन्वर्जन का है। सो बॉन्ड्स कैन बी एक्सचेंज इनटू इक्विटी शेयर ऑफ अनदर कंपनी, जो उसकी ग्रुप कंपनी होती है। व्हाट इज रेगुलेशन विच गवर्न्स इश्यू ऑफ एफसीईबी? एफसीईबी जब इशू होंगे तो उसके ऊपर कौन सा रेगुलेशन एप्लीकेबल है? फॉरेक्स ट्रांसफर ऑफ इशू ऑफ एनी फॉरेन सिक्योरिटी और रेगुलेशन 2000, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, कौन सा उसके ऊपर एप्लीकेबल बनेगा? क्वेश्चन नंबर 5, सो इनमें से कौन से रूल्स इसके ऊपर एप्लीकेबल बनते हैं? यस रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली एंड देन ट्राई टू आंसर। सो इसके ऊपर एप्लीकेबल बनते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ट्रांसफर और इश्यू ऑफ एनी फॉरेन सिक्योरिटी रेगुलेशंस 2000, तो ये रूल्स इसको गवर्न करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज रिक्वायरमेंट फॉर ऑल इन कॉस्ट ऑफ एफसीईबी? सो एफसीईबी में जो ऑल इन कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, तो जिसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड होंगे, दूसरे चार्जेस भी इंक्लूड होंगे, तो वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इट शुड बी विद इन सीलिंग स्पेसिफाइड बाई आर बी फॉर एफ सी ई बीस, इट शुड बी विद इन द सीलिंग स्पेसिफाइड बाई आर बी फॉर इक्विटी शेयर्स, इट शुड बी विद इन मिनिमम सीलिंग स्पेसिफाइड बाई आर बी फॉर ई सी बीस, और इट शुड बी विद इन सीलिंग स्पेसिफाइड आर बी फॉर गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो ये ऑल इन कॉस्ट कौन सी एप्लीकेबल बनेंगी? क्वेश्चन नंबर 6, यस आंसर द क्वेश्चन क्विकली। तो इट विल बी सेम एज एप्लीकेबल इन केस ऑफ ईसीबी, तो जो ईसीबी की ऑल इन कॉस्ट है तो वही ऑल इन कॉस्ट इन केस ऑफ एफसीईबी रहेगा, बिकॉज एफसीईबी और एफसीसीबी दोनों ही ईसीबी का ही पार्ट है। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को अब हम वाइंड अप करते हैं। अगर आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, वहां से आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। सो यू कैन टाइप योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। चलिए अब हम इस डिस्कशन को वाइंड अप करता हूँ, तो हम नेक्स्ट सेशंस में कंटिन्यू करेंगे और डिस्कशंस के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।